नमस्कार। आज का टॉपिक है गोभी के पकोड़ी। ये गोभी मैंने स्टीम करने के लिए रखा है और अभी स्टीम हो जाएगा तो मैं उसको छान दूँगी। ये कसूरी मेथी थोड़ा क्रश करके लिया है और ये हींग थोड़ा डाला, इसमें थोड़ा सा हल्दी और ये लाल मिर्च पाउडर है। इसमें ये गरम मसाला नहीं है, इसमें गरम मसाला नहीं जाता है, ये लाल मिर्च खाली पाउडर है, ये बाज़ार में मिलती है स्टोर में, तो ये डाल दिया उसमें। थोड़ा सा आपके हिसाब से डालिए, मैंने इसीलिए क्वांटिटी नहीं बताती। अगर आपको कम बनाना हो तो क्या करोगे, इसीलिए वही हिसाब से कम ज़्यादा करने का, ये सभी को पता है कि कम ज़्यादा तो हो ही जाता है, राइट। तो इसीलिए आपको क्वांटिटी बताने की मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरी, और उसी हिसाब से हम नमक डाल सकते हैं या क्योंकि गोभी ये नहीं, ये कुछ नहीं है, पुदीना है, वो चटनी बना दूंगी। तो ये मेरे अभी मैं यहाँ पर सब अभी मेथी लिया, नमक, हल्दी और मिर्ची, बस इसमें कुछ और ज़्यादा जाता नहीं। धनिया वगैरह मत डालना हरा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो गोभी खाली होता है ना, तो धनिया छूट जाएगा अलग अलग। तो ये मेथी के पाउडर कर दिया मैंने, सूखा है ना कसूरी मेथी, इसीलिए तो इसका कुछ बहुत है। इसमें आपको क्या नहीं डालना, सोडा वगैरह बिल्कुल कभी नहीं डालना, इनो कुछ भी नहीं डालना। हाँ, एक चम्मच में दही डालती हूँ, एक मिनट। ये दही है, मेरा पुराना दही है, यहाँ पर दही खट्टा नहीं होता इतना, इंडिया जैसा इधर बहुत अच्छा रहता है। ये मैंने दही घर में ही बनाती हूँ, तो ये इतना दही मैंने उसमें लिया मिक्स करने के लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं लेना। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा कम है तो उस हिसाब से लेना, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। और इंडिया का दही बहुत खट्टा होता है तो ज़्यादा मत लेना, क्योंकि इसका इसीलिए कि दही से पकौड़े बहुत अच्छे होते हैं। अभी ये मैंने सिंक में रखा और पानी से मिक्स करती हूँ आपके सामने। यहाँ पर मैंने तेल रख दिया, ये अपना ये हो गया बेसन का, मैंने मिक्स कर दिया सारा, और गटड़ी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। और ये मैंने गोभी को स्टीम करके लिया ताकि कच्चा ना हमारी गोभी रहे, अंदर स्टीम किया है। अभी मैं छान लेती हूँ इसको, और ओके, तो ये हमने गोभी स्टीम करके लिया। ये गोभी के पीस बड़े बड़े होना चाहिए और ज़्यादा पकाना नहीं इसको, जस्ट स्टीम किया है ताकि वो अंदर कच्चा ना हो, क्योंकि वो जल्दी हो जाता है ना फ्राई, तो इसलिए थोड़ा सा अगर स्टीम किया तो आपको अभी दिखाती हूँ। ये बेसन के आटे में गुठली नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छे से इसमें कसूरी मेथी डाली इसलिए इस तरह दिख रहा है आटा, और आपके हिसाब से जितना आपको अभी बनाना है तो उस हिसाब से ही आटा बनाना। हमारा तेल गरम हो गया है और अभी मैं ये पकौड़ा डाल देती हूँ, तेल गरम हो गया है हमारा। अभी डर नहीं है कि आप कितना भी देर नहीं रखना, बड़ा करो छोटा करो, क्योंकि गोभी को स्टीम कर दिया ऑलरेडी, तो आपको डर नहीं रहेगा कि कच्चा है कि पक्का है, कच्चा है कि पक्का है। और हमेशा गोभी के पकोड़े के लिए बड़ा ही गोभी काटना, छोटा गोभी मत काटिए, और उसमें आ सकता है।
हमारे गोभी के पकोड़े पक रहे हैं। अभी एक मिनट और रखूंगी, अभी निकालती हूँ। अभी हमारे पकोड़े हो गया ये इस तरह। अभी मैं छान के, सॉरी, ये गोभी के पकोड़े हैं। मैं आज पहली बार ट्राई कर रही हूँ अपने आप को, क्योंकि बेटे को बहुत काम होता है, तो उसका कॉलेज का क्लासेज चल रही है। आज छुट्टी है, लेकिन बच्चे लोग आपको पता ही है कितने सुनते हैं। फिर भी मेरा बेटा बहुत अच्छा है, सुनता है। ये तेल थोड़ा सा मैं ऐसा कर रही हूँ ताकि कढ़ाई में गिर जाए। ये मेरी कढ़ाई खास तलने की है, लेकिन हम ज़्यादा नहीं खाते तला लेना, नहीं तो सॉरी इतना मोटी हूँ इसलिए। अपने गोभी के पकोड़े ये हो गया, तैयार हो गया। और एक ये केचप है, आप ये केचप के साथ खा सकते हो। ये चटनी है, ग्रीन चटनी, आपके मैंने डाला है, ये वीडियो किया है, वो उसके साथ भी खा सकते। और आपको एक काट में काट के दिखाती हूँ। अगर आपको बहुत कड़क चाहिए, अगर आपको बहुत कड़क चाहिए तो आप दही मत डालिए। लेकिन ये देखो, ये बहुत सॉफ्ट और ये बहुत अच्छा, और खाने के लिए भी। आइए सब लोग खाने के लिए आप, और कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और मुझे बताना मेरे पकोड़े कैसे हो गया है। ये गोभी के पकोड़े हैं, और मैं मंचूरियन भी डालूँगी नेक्स्ट वीडियो में, गोभी के मंचूरियन। तो आज के लिए इतना, थैंक यू। ज़रूर मुझे कमेंट में बताना गोभी के पकोड़े कैसे हैं।